सर, कैसा लग रहा है इस समय आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी का? क्योंकि कल भारी गिरावट हुई, आज भी फ्लैट स्टार्ट हुआ, लाल रंग में स्टार्ट हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं बाजार संभलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी ओवरऑल हमने लास्ट टाइम जब भी शो करा था एफएनओ का, तभी भी आई थिंक निफ्टी वाज एट द टॉप, 26,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तभी भी हमारी यही बात हुई थी कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बिकॉज एक नेगेटिव पैटर्न जरूर बना था, बट फॉल एक्सपेक्टेड था, बट इतना सारा 3-4 दिन में कंटिन्यूस नहीं एक्सपेक्टेड था। बट ठीक है, 2-3 ट्रिगर आए थे। एक तो सेबी का रूल जो नया आया है वो एक ट्रिगर था, दूसरा ईरान इजराइल वाला ट्रिगर था, और तीसरा ये था कि चाइना ने जो स्टिमुलस पैकेज दिए है उसके रहते चलते एफआईज वहां पे अट्रैक्ट हो रहे और यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली। बट ओवरऑल देखिए, जो भी सेलिंग हमने देखी है वो एक हेल्दी करेक्शन था, एक्सपेक्टेड भी था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी अभी फिलहाल सपोर्ट पे है। आज काफी वोलाटाइल सेशन हमने स्टार्टिंग के 9:15 बजे से 15 मिनट के अंदर देखे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 225 पॉइंट का राउंड किया है। 70 पॉइंट्स नीचे था, तुरंत 2 सेकंड में पॉजिटिव हुआ, फिर से नेगेटिव हुआ, डे लो से डे हाई तक चला गया। तो ये एक साइन होती है वोलेटिलिटी बढ़ने की, और एक ये अच्छी साइन ये है कि बॉटम पे जब भी मार्केट आता है तो बाइंग प्रेशर जब भी नीचे से मिलता है तो ऐसे जरूर देखने को मिलता है हमें। तो इसमें यही देखना है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी वापस से 25,500-26,000 के लेवल्स तक आ सकता है। बट जब भी आप ट्रेडिंग करें या बाय करें या निवेश करें तो मेक श्योर के अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में करें जो प्रेशर झेल सके, और मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े अवॉइड करें, बिकॉज ऐसे मार्केट में जब भी मार्केट टूटता है तो वो 20-25 टका भी टूट सकता है। तो ओवरऑल लेवल्स में अगर देखें तो ये पर्टिकुलर सीरीज में, अक्टूबर के सीरीज में, मैं 25,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अगर टूटता भी है तो हम तुरंत रिकवर होके ऊपर क्लोज भी हो सकते हैं, और हाईएस्ट लेवल पे जो ऑल टाइम हाई है हमारा 26,000 के ऊपर वाला लेवल है, पहले हम मान के चलेंगे 26,000 टेस्ट हो सकता है। बट ओवरऑल यही रेंज रहेगी अक्टूबर सीरीज में निफ्टी की। अदर एंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने कल डेफिनेटली हमने टॉप से 2800 पॉइंट का जो देखा था कार्नेज 2-3 दिनों के अंदर, सो एग्जैक्टली कल जो सपोर्ट था प्रीवियस ब्रेकआउट रेंज जो सितंबर 3, 2024 का जो ब्रेकआउट रेंज था 51,750, कल भी हमने वहां पे सपोर्ट लिया था और आज हमने वो ब्रेक भी किया और तुरंत हम लोग वहां से रिवर्स भी हुए। तो ओवरऑल अवरली चार्ट देख के मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक बॉटम बना चुका है और यहाँ से हमें और 1,000-1,200 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो ओवरऑल अक्टूबर सीरीज के लिए जो लेवल्स मुझे बैंक निफ्टी के लिए लग रहे हैं, डाउन साइड में मैक्सिमम मुझे 51,000 लग रहा है। इनकेस अगर कुछ ट्रिगर आता है तो 51,000 टेस्ट होकर वापस कवर भी हो सकते हैं, और हायर साइड में मुझे 53,200 तक का एक वापस रिबाउंड लग रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।